ये है हमारा रूम, तो खोलते हैं। आशा खोल रही है रूम। बट हम एक ही रूम में बहुत ज्यादा लोग रहने वाले हैं। बस का वेट कर रहे हैं, ये दूसरी बस है अभी, इसमें कोई नहीं बैठ रहा। सो गुड इवनिंग गाइज, तो ये है मेरा पहला व्लॉग और इस चैनल पे कर लिया है मैंने कब्जा। तो मेरा पहला व्लॉग देखने के लिए व्लॉग में एंड तक बने रहना, ठीक है। तो अब हम दिखाते अपने पति की लटकती हुई शक्ल। भाई साहब ये जा रही है घूमने के लिए बड़े दिन बाद, और इसका भाई ऑफिस के तरफ से ट्रिप जा रहा है और ये मुझे छोड़ के जा रही है। जैसे मैं भी वैष्णो देवी गया था, पूरा पैक कर दिया है हमने। इसने कितना बड़ा वाला बैग किया है भाई पैक, और मैं ये छुटकू सा बैग ले गया था जब मैं गया था, और इसने भाई देखो एक दो दिन की ट्रिप पे भाई इतना बड़ा बैग लेके कौन जाता है भाई। मैं लेके जाता हूँ। इसने भाई आधी से ज्यादा अलमारी के ना कपड़े ही भर लिए इसमें, अब सोचो। तो अभी आपको दिखाते हैं, अभी मम्मी रेखा और ये मुझे छोड़ने जाने वाले हैं। हाँ, विदाई भी लूंगी मैं तुम लोगों से। सीरियसली? यस। अच्छा ठीक है, तो अभी भाई ये जाने वाली है, इसको हम इसके बस तक छोड़ने जा रहे हैं। अब मैं लाल, वो क्या बनते हैं उसको, लाल परी, क्रिसमस आने वाला ना, तो मैं सांता क्लॉस बन गया भाई है। हम निकल चुके हैं और हमारे साथ कौन कौन है, ज्योति दीदी और मामी। और ये और मैं गाड़ी चला रहा हूँ अभी, ये हमारे ड्राइवर साहब। तो इसे अभी लेके जा रहे हैं भाई, हम इसे ड्रॉप करके आ रहे हैं सारे। तो मम्मी अभी आई नहीं, मम्मी आई नहीं क्योंकि पापा घर पे थे नहीं। और अभी हम जा रहे हैं क्योंकि हमें बस में जाके करनी है बुकिंग। आज मिलाने वाली हूँ मैं अपने ऑफिस के लोगों से, तो बी रेडी कि कौन मेरे साथ काम करता है और कौन मेरे साथ, मैं जिसको बताती हूँ, ठीक है। सब लोगों से मिलाने वाले हैं, अब बने रहे ना। डांस भी करेंगे हम, इंजॉय करेंगे, गेम भी खेलेंगे, तंबोला भी खेलेंगे, देखना कौन जीतता है। और अभी देखो कितना हो गया है ट्रैफिक, जिसकी वजह से हम लेट हो गए हैं काफी। भाई निकल जाओ जल्दी, जल्दी निकलो जल्दी, मुझे पहुंचना है जल्दी 8 बजे। और भाई 3 दिन ट्रैफिक लगा पड़ा है। कहां पे जा रही है घूमने बता दे सही सही। ये है सरप्राइज, सरप्राइज है। इसने एक दिन का बताया हरिद्वार जा रहे हैं, 2 दिन का इसने बताया नहीं। अगर आप सबको जानना है तो व्लॉग में एंड तक बने रहना कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं घूमने। बता दो सही, मुझे तो बता दे कहाँ। ये तुम्हारे लिए भी सरप्राइज है भाई, तू बता ही नहीं रही है कहाँ पे जा रही है घूमने के लिए। फाइनली पहुँच गए हम ऑफिस। लग रहा है अंजू के साथ ना स्कैम हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं कि 11 बजे बस आएगी, अब पूछते हैं एक बार कितने बजे इसकी भाई बस आती है। 11 बजे आएगी बस। तो इसके ऑफिस के कुछ बंदे आ गए, आ गए ना तेरे ऑफिस के? हाँ, ये घूम रहे हैं। अच्छा अच्छा ठीक है, तो तेरी बस आने वाली है, कहाँ जा रही है अभी? भाई हमारा पोपट बन चुका है, अंकल कह रहे 11 बजे बस आएगी। अभी ये जा रहे भाई चीज वगैरह लेने, कुछ चखना है ना, क्या चाहिए है? ले ले। तो इसे भाई कुछ चखने वखने चाहिए, ले ले। ये चाहिए निकाल ले, निकल वाला ना, हाँ। और पॉपकॉर्न है। तो भाई साहब अंजू ने ये सारा सामान यहाँ से ले लिया है। इनका देखिए रोता हुआ चेहरा, ये जा रहे हैं। मैं जा रही हूँ सबको छोड़ के। अब हम जाने वाले हैं, कह रहा भी है भाई यहाँ पे एंजॉय करेंगे। ये ज्योति देखो जब से खाने पे लगी हुई है। चलो जल्दी आई हो, तूने बताया नहीं है कहाँ कहाँ पे जा रही है घूमने। तुम्हें मेरी याद तो नहीं आएगी ना, मुझे अगर तूने अपडेट नहीं दिया भाई। तो ये सब जा रहे हैं मुझे छोड़ के। ये ठीक है, आराम से जाना। ओके बाय। तो इशिका, इशिका के बैग देखो, इशिका से ज्यादा बड़े हैं ये देखो। उठा लेगी ये अपना अपनवा। ये बस लीड, ये बस कंडक्टर, टिकट टिकट टिकट। सो हेलो गाइस, हरिद्वार हरिद्वार हरिद्वार। ये आ गई दीप्ति, तो गाइस सब मुझे सांता क्लॉज समझ रहे हैं और सब मुझसे गिफ्ट मांग रहे हैं, है ना? बोलो बोलो, बिल्कुल। फोन मांग रहे हैं, देखो मेरे पति मारेंगे मेरे फोन लेने के लिए। तो गाइस हम हो गया वेट करते करते बहुत टाइम और हमारी बस नहीं आई है, इसलिए हम फोटो खिंचा रहे हैं। और दीप्ति लेके आई है कैमरा फोटो खींचने के लिए। सब यहाँ पे फोटो खींच रहे हैं और यहाँ पे ये लोग।
तो यहाँ पे बर्थडे मनाया जा रहा है, सब बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज। हम तो जानते नहीं है किसका बर्थडे है, पर मैं मना रही हूँ। बस का वेट कर रहे हैं, ये दूसरी बस है अभी, इसमें कोई नहीं बैठ रहा। तो गाइस देखिए सारे यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे काजल भी नहीं बैठ रही इसमें, ये भी नहीं बैठ रही, हम बैठेंगे इस वाली बस में। इस बस के सामने हम लग रहे हैं पिद्दी। यार इसके टायरों से भी बड़े हैं, टायर भी बड़े हैं इसके हमारे से। ये तो सच में याद नहीं लग रहा है। तो हम हरिद्वार वाली बस में बैठ रहे हैं आराम से। और ये देखिए सारे बस के आगे मंडराते हुए लोग, बस से दूर भागते हैं, ये सारे बस के आगे खड़े हुए हैं। ये देखो प्रिया शर्मा रही है, हरिद्वार इसी के 200 रुपए सवारी है भाई, हल्की हो या भारी आ जाओ। तो अभी हम सब बैठ गए हैं बस में और देखो अभी सब एडजस्ट होने लगे हुए हैं। तो अभी हम जा रहे हैं सारे घूमने। हम बैठ गए हैं, बोर हो रहे हैं, बस चल नहीं रही है, ये सारे पीछे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अटेंडेंस ली जा रही है कि कौन कौन आया है, ये फोन में लगी हुई है। फाइनली हम बोर हो गए हैं और हमारी बस चल नहीं रही है। बताओ कहाँ जा रहे हो, बताओ। हम जा रहे हैं हरिद्वार। कहाँ जा रहे हो? हम जा रहे हैं हरिद्वार अभी और हम आए अभी पेट्रोल गिराने। डीजल डीजल बस यार, कैसे सब्सक्राइबर आएंगे? बताओ बताओ बताओ। हेलो गाइस, गुड इवनिंग गाइस, हम डीजल भरवाने आए हैं। गाना मैं लगाऊं? यहाँ गाने पकड़बाजी हो रही है गाइस। गाना मैं लगा। तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, इश्क में आएंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे, तेरे इश्क में नाचेंगे। तो गाइस यहाँ पे चल रहा है डांस। दुनिया तो चोरी चोरी दिल मंगदी लुटिया, दिल मेरा दिल लुटिया, मजा ले 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 मजा ले। यहाँ पे सब पागल हो गए हैं डांस करते करते। Yeah.
हम देख तो रहे हैं, इसकी फोटो भी आनी चाहिए। सुबह के 3 बज गए हैं और ये लोग सोए नहीं हैं, सब गाने एंजॉय कर रहे हैं और पीछे के सारे और ये लोग सारे बातें कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के। अभी 1 घंटे बाद हम पहुँच जाएंगे। अभी आ गए हम टोल पे। अब बॉली 10 किलोमीटर लेफ्ट है और बाहर बहुत ज्यादा ठंड है। तो गाइस हम पहुंच गए हैं हरिद्वार और ये देखिए नदी है, यहाँ पे कुछ दिख नहीं रहा है। बड़ा शंकर भगवान की जय। बोलो गंगा मैया की जय। बोलो महावीर की जय। तो फाइनली हम पहुंच गए हैं आश्रम और ये सारे उतर रहे हैं। हाय हाय। तो ठंड लग रही है? नहीं लग रही, गर्मी लग रही। मना गर्मी लग रही। ये देखो सारे उतर रहे हैं, गर्मी लग रही है। और अभी हम जा रहे हैं आश्रम और आश्रम में दिखाते हैं अपने रूम। यार ऐसे बनाओ ना, ऐसे हे गाइस वाला, हे गाइस, हे गाइस ऐसे बनाओ। तो यहाँ पे अभी इतनी भी ठंड नहीं है जितना हमने सोचा था, अभी नॉर्मली लग रही है, पर इतनी ज्यादा ठंड नहीं है कि हमें और ज्यादा कपड़े लेने पड़े। और बैग भाई देखो बहुत ज्यादा भारी हो चुके हैं। ये देखिए सारे अपने अपने बैग्स लेके चल दिए हैं आश्रम की तरफ। मैंने बहुत ठंड लग रही है और आशा को लग रही है बहुत ज्यादा ठंड और बाकी लोग पीछे रह गए हैं सुनसान गली, कोई आए ना जाए। आशा अगर तुझे किडनैप कर लिया जाए तो यहाँ से, ऐसे लग रहा है कि सिर्फ हम 4-5 ही लोग आए हैं बस घूमने। बहुत अब लगने लग गई है थोड़ी थोड़ी ठंड, हाथ पैर ठंडे होने लगे हैं। जल्दी निकल गया तो कह रहा चलते चले। तो अभी हम जाने वाले हैं रूम में, देखते हैं फिर वहाँ पे अगर चाय वाय मिलती है तो हमें क्या लगता है ऐसे चाय मिलेगी? हाँ हाँ मिलेगी। यार बैग की वजह से ना कंधा बहुत ज्यादा पेन कर रहा है, कोई उठाने वाला भी नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, वरना वो ही उठाते, तो मुझे खुद ही अकेले ढोना पड़ रहा है सारा बोझ। अंजू का पति नहीं है तो जल्दी से व्लॉग में बने रहें और देखते हैं अभी हमारे रूम कैसे होंगे। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ अपना रूम देखने के लिए, बट हम एक ही रूम में बहुत ज़्यादा लोग रहने वाले हैं। तो आइए अभी दिखाते हैं आपको अपने रूम्स। अलका ने जूते चेंज कर लिए, इसमें से बात कट जाएगा। ये देखो सब मुझे बोल रहे हैं कि कितने व्लॉग बनाएगी, पर इनको ये नहीं पता कि इसमें से आधा तो डेटा कबाड़ा है, क्योंकि मुझे तो व्लॉग बनाना आता ही नहीं है। यहाँ पे हाथ पैर सोने लग गए हैं, अब फील हो रहा है, जब उतरे थे तो तब नहीं लग रही थी ठंड, अब बहुत ज़्यादा ठंड लगने लग गई है। देखो सामने जो गेट दिख रहा है आपको, ये हमारा आश्रम जिसमें हम अभी स्टे करने वाले हैं। तो भाई कितनी ठंड है, इसका नाम क्या है? अभी आपको दिखेगा, बाबा मोहनदास आश्रम। फाइनली हम पहुंच गए हैं आश्रम। ये है पूरा आश्रम, अभी सब अपने अपने रूम ढूंढ रहे हैं। ये है पूरा आश्रम हमारा। तो अभी जा रहे हैं हम अपने रूम में। ये फाइनली हमें रूम मिल गया है, मेरे को तो बहुत जल्दी जाना है, ठंड हो रही है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा कुछ दिख भी नहीं रहा है रात में। ये भाई रूम्स हमारे, वन है, वन ढूंढो किधर है वन। सब तो अपना गेट लगा लगा के अंदर भी बैठ गए हैं और हम अपना रूम ही नहीं मिल रहा अभी। भाई किधर है, किधर है, किधर है वो रवन? फाइनली देखते हैं, नहीं भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं, हम आराम से फैल के सोएंगे भाई। अभी आशा गेट खोल फटाफट से, हम अपना रूम का दिखाते हैं लुक कैसा है। तो भाई साहब ये है हमारा रूम, तो खोलते हैं। आशा खोल रही है रूम, जल्दी खोल, लाइट जलाओ, कैसा है लाइट जलाओ। तो ये है हमारा रूम फाइनली। ये गेट है बाहर का व्यू, वहां पे रखना है, हम दोनों इस पे रहेंगे, कोई भी आएगा उस पे, ठीक है? ओके
इधर दूसरे गेट घर में जाने के लिए क्या खोली हूँ। दो तो है ही ना उनका। और देखिए भाई ये है चोरी का दरवाजा, खुलेगा उधर से खोलना पड़ेगा आधा ये। उधर कमरे में जाके खुलवा, जा जल्दी जा जल्दी खोल। तू है ना अलका का। तो भाई अभी हम इस गेट को खोलने वाले हैं क्योंकि ये है दो दरवाजों के बीच में एक लॉक की, अगर एक रूम में से किसी दूसरे को जाना हो तो वो यहाँ से जा सकता है। भाई मुझे लग रही है बहुत ज़्यादा ठंड, मैंने बैग अपना यहाँ पटक दिया क्योंकि मेरा कंधा बहुत ज़्यादा दुख गया था। तो अभी आए हैं हम और टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं गाइस, सुबह के 4 बज रहे और 8 बजे हमें जाना है ब्रेकफास्ट में, उसके बाद 11 बजे हम नेक्स्ट डे हमारा जो शुरू होगा ऋषिकेश। तो व्लॉग में एंड तक बने रहना, अभी आपको दिखाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, पता नहीं कैसा लगेगा आपको, अगर कुछ गलती हो जाए तो यार प्लीज़ इग्नोर। तो ये है काजल का रूम, काजलन का रूम देखने जा रहे हैं हम, रूम नंबर 2, जो हमारे बिल्कुल पड़ोसी हैं ये लोग। अच्छा तो यार तुम्हारे में कैसे आएंगे इतने सारे लोग। अच्छा वाओ, एक बाहर और उसके अंदर, यार ये सही है। सिंगल सिंगल बंदे सो सकते हैं ना, यार ये सही है। 1 रूम के अंदर 2 रूम्स।